बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एलिमेंट के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा तंसीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ईद कैसी गुजरी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी कस्टर्ड ट्राइफल। उसके लिए सबसे पहले हम जेली रेडी करेंगे। एक पैकेट हमने बनाना जेली ले ली है, इसको हमने एक गिलास पानी बॉयल करके इसके अंदर डाल दिया है। इसको एक बॉयल आएगा तो हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे। देखें इसे बॉयल आ गया, अब हम इसे निकाल लेंगे ट्रे में। अब हम इसी तरह से मैंगो जेली भी रेडी कर लेंगे। जेली हमने तैयार कर ली है, इसे हम ट्रे में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ट्रे में हमने डाल दी है, अब हम इसे ग्रीन जेली को भी और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ले लिया है हमने, प्लेन केक लेना है हमने बड़े साइज़ का एक अदर। फ्रूट्स में हमने मैंगो और बनाना लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। दो दो हमने मैंगो ले लिए हैं और सिक्स हमने बनाना ले लिए हैं। यहाँ पे नारियल पाउडर ले लेंगे 4 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ले लेंगे हम 1 पैकेट। दूध ले लेंगे 2 लीटर, 2 लीटर हमने दूध ले लिया है, इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। देखिए दूध हमारा पकना शुरू हो गया, देखिए दूध में बॉयल आ गया। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर अच्छा आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1/2 कप शुगर ऐड किया है। हाफ कप हमने दूध ले लिया है, इसके अंदर हम तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून हमने मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिए, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखें दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे और अब हम इसमें सास के साथ चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर दिया है। अगर आपको पतला लगे आप थोड़ा सा कस्टर्ड और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड और ऐड किया है, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड और ऐड किया है। टोटल हमने इसमें 5 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड किया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट में। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसी तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखें। देखें कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने बनाना को स्लाइस में काट लिया है, ये देखें 6 बनाना हमने लेके इसे स्लाइस में काट लिया है। मैंगो के भी हमने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है और प्लेन केक जो हमने लिया था उसे भी हमने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। और ये नारियल पाउडर ऐड करेंगे और क्रीम वगैरह ऐड करेंगे। अब चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है, अब हम इसे बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने क्रीम अब मिक्स कर ली है, अब हम इसमें नारियल पाउडर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नारियल पाउडर डालने से इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसमें आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार। देखें एक सर्विंग डिश में हमने इस तरह से केक लगा लिए, किनारों पे केक लगा ली ट्रायंगल शेप में ताकि देखने में भी इसकी लुक साइड से भी अच्छी आए। और दरमियान में इस तरह से इसको तोड़ के डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। अब हम इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। देखिए कस्टर्ड की हमने लेयर लगा दी, अब हम इस पर जेली की लेयर लगाएंगे। बनाना और मैंगो जेली हमने मिक्स कर दी, इसकी हम लेयर लगा देंगे इस पर। इस तरह से किनारों पर भी लगाएंगे।
बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे ईद की दावतों में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं इसे। इस तरह से किनारों पे भी और दरमियान में भी बनाना लगा देंगे और मैंगो चंक्स डाल देंगे। लेयर बाय लेयर आपने हर चीज़ इस पे डाल देनी है। अब हम लास्ट में इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड की भी इस तरह से लेयर लगा देंगे। देखें, अब हम इसमें ऊपर क्रीम लिया मैंने, इसे थोड़ा सा किनारे से काट के इस तरह से इस पे डिज़ाइन डाल दिया है ताकि देखने में भी इसकी लुक बहुत प्यारी है। बारबेक्यू स्टिक की मदद से मैं इस पे डिज़ाइन डाल दूँगी इस तरह से। ये देखें कितना प्यारा, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से ऊपर ड्रेसिंग कर देंगे, इसकी जेली डाल देंगे, केक लगा देंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड ट्राइफल हमारा रेडी हो गया। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।